अब आपका बिहार बदलने वाला है। जब तेजस्वी यादव ने कहा था तो सब लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर वन पे बिहार है। इतिहास में सबसे मजबूत राज्य बिहार, अपने किस 5 मेगा प्रोजेक्ट से अपने इतिहास को दोहरा कर सबसे मजबूत राज्य बनेगा, आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। हर फील्ड में बिहार का कंट्रीब्यूशन अमूल्य रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार में कई चेंजेस भी हुए हैं, जिसे कई लोग इसे साइलेंट ब्रेक थ्रू भी मान रहे हैं। गाइस, वेलकम टू द एडवेंचरस सिटी ऑफ बिहार। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले ही हम आपको बता देते हैं, इसमें हम किसी भी सरकार को क्रेडिट नहीं देंगे। जिस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, अगर जानना चाहते हैं किस सरकार ने इसको करवाया है, तो वो आप जाके गूगल कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पटना से 81 किलोमीटर दूर राजगीर के नालंदा में 633 करोड़ लागत से 90 एकड़ में बन रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसमें क्रिकेट के अलावा और 28 इंडोर गेम को खेला जा सकता है, जिसमें स्विमिंग और फुटबॉल भी शामिल है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को 2022 में ही कंप्लीट कर देना था बना के, लेकिन अभी तक इसका 40% भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे होगा, आप लोगों को ऐसे ऐसे न्यूज देखने से फुर्सत मिलेगा, तब ना असली आवाज को मिनिस्ट्री में लाया जाएगा। दोस्तों, अगला मेगा प्रोजेक्ट है अपने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, अपने रफ्तार के लिए पूरे दुनिया में विख्यात वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो शुरू होने जा रहा है आपके स्टेशन से। लेकिन दोस्तों, बात करें अगर हम आज की डेट तक, तो मात्र 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के लिए है, जो कि एक पटना से लेके हावड़ा तक चलती है और दूसरा पटना से ही लेके रांची तक चलती है। लेकिन दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट में 4 और वंदे भारत ट्रेन को जोड़ा गया है, और सबसे पहले नंबर पे आता है मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत, जो महज आपको 12 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, वो आपको पटना से अयोध्या और लखनऊ ले जाएगी, और अगला जो वंदे भारत है वो पटना से सिल्लीगुड़ी आपको बस 7 घंटे में लेके चली जाएगी, और चौथा सबसे आखिरी जो रक्सौल से दिल्ली को चलने वाली है, और ये चारों ट्रेन को बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट, जिसका नाम है रिंग रोड। पटना सहित 6 और जिलों में इस रिंग रोड को बनाना है, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि आखिर ये रिंग रोड होता क्या है। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, गोला रोड। अब देखिए, किसी शहर में बहुत ज्यादा जाम लगने लगता है, तो एक रिंग रोड का निर्माण कराया जाता है ताकि उस जाम से छुटकारा मिले। सबसे पहले तो जो जिले में रिंग रोड पास हुआ है, उसके चारों तरफ से, मतलब जिसका भी बाउंड्री है, वहां से रोड का निर्माण करते हैं और सारे नेशनल हाईवे से उस रिंग रोड को जोड़ देते हैं। अब दोस्तों, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले व्यक्ति हैं और आपको गया जाना है, तो आप जब मुजफ्फरपुर से निकलिएगा और पटना पहुंचिएगा, तो गया जाने के लिए आपको पूरे पटना का जाम को हेल के और तब गया वाले नेशनल हाईवे पकड़िएगा और फिर गया जाइएगा। लेकिन जब रिंग रोड पटना में बन जाएगा, तो आप मुजफ्फरपुर से सीधे रिंग रोड को पकड़ के और डायरेक्ट शहर में ना जाके गया वाले नेशनल हाईवे को पकड़ के अपना घंटों बचा सकते हैं, और उससे आपको भी जाम से छुटकारा मिलता है और शहर में आने वाले अनवांटेड भीड़ से शहर वाले को भी छुटकारा मिलता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस होता है, तो वहाँ रिंग रोड का निर्माण कराया जाता है। दोस्तों, टोटल 6 रिंग रोड बिहार में बनाना है, जिसमें से पहला नाम पटना का सिलेक्ट हो चुका है, बाकी 5 का खोज जारी है। इस खोज को सफल बनाने में आप भी हिस्सा ले सकते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए कि और 5 कौन सा जिला हो सकता है जहां पे रिंग रोड की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, जब भी हमारे कान में ये शब्द पड़ता है मेट्रो सिटी, तो हम अपने से इमेजिन कर लेते हैं कि वो जगह बहुत ज्यादा विकसित होगा, वहां के बच्चे पढ़े लिखे होंगे और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा तगड़ा होगा, और मात्र एक वर्ड मेट्रो सिटी ही काफी है किसी जगह को विकसित बताने के लिए, और वो मेट्रो सिटी अब पटना बनने जा रहा है, और इसका टोटल 5 फेज में काम होगा, और एक फेज का काम तो लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। दोस्तों 2025 तक 5 स्टेशन जो हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे पटना में। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टोटल $1.7 बिलियन रुपया लग रहा है, और अगर आप इसको भारतीय रुपया में कन्वर्ट करके जानना चाहते हैं कि ये भारतीय रुपया में कितना लग रहा है, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि टोटल 1
अरब 70 करोड़ रुपया इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्चा लग रहा है। दोस्तों ये वीडियो नया सीरीज है, इसलिए हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे। अगर इस वीडियो पे 10,000 लोग लाइक कर देते हैं तो मेगा प्रोजेक्ट पार्ट 2 आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तब तक अगर आप हमारे पुराने वीडियो भोजपुरी से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।